हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास नंबर 11 ऑफ रिंग थ्योरी। इस क्लास में हम आइडियल्स के बारे में बात करेंगे। यह आइडियल्स का पार्ट टू है। पिछले क्लास में हमने पार्ट वन में आइडियल की डेफिनेशन और कुछ बेसिक रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस की थी। इस क्लास में हम इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज एन आइडियल बट यूनियन ऑफ टू आइडियल्स इज नीड नॉट टू बी एन आइडियल, ये हमें प्रूव करना है और कुछ और रिजल्ट भी हम इस क्लास में आगे जाके प्रूव करेंगे। तो चलिए, हमें क्या है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू आइडियल्स इज एन आइडियल। पिछले क्लास में हमने लेफ्ट आइडियल के सेंस में बात की थी, इस क्लास में हम आइडियल्स के बारे में बात करेंगे। सो मान लीजिए कि हमारे पास दो आइडियल है, लेट एस एंड टी आर टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर। ये क्या है? आइडियल्स हैं। नाउ हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव to prove that S intersection T is also an ideal। हमें ये प्रूव करना है वो क्या है? आइडियल है। सो अगर हम आइडियल की डेफिनेशन को रिकॉल करें, सो सपोज S इज एन आइडियल ऑफ R, तो ये जो है वो दो कंडीशन को फॉलो करता है। फर्स्ट इज S इज सबग्रुप ऑफ R with respect to addition, and the second is for R belongs to R and small s belongs to S, R dot S belong to S and small s dot R this is also belongs to S। तो हमें यहाँ पे ये दो कंडीशन प्रूव करनी होगी, किसके लिए? S intersection T के लिए, क्योंकि हमें प्रूव करना है S intersection T is also an ideal। Now S and 2 जो है वो क्या है? आइडियल है। तो अगर वो आइडियल है वो तो क्या होल्ड करेगी? एस एन टू आर सब ग्रुप ऑफ आर। सो नाउ एस एन टी आर टू आइडियल्स ऑफ रिंग आर। सो एस एन टी आर टू सब ग्रुप्स ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये ग्रुप बनाएगा, सब ग्रुप बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू आर। नाउ हम यहाँ पे अगर दो सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होता है? सब ग्रुप, जो कि ग्रुप थ्योरी में प्रूव किया जाता है, तो हम उसका यहाँ पे यूज करेंगे। एस इंटरसेक्शन टी इज सब ग्रुप ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट डॉट था हमारा वो यहाँ पे क्लियर हो गया। सेकंड हमें प्रूव करना है कि आर बिलोंग्स टू आर और एलिमेंट कहाँ से आएगा? ये वाला एस से। सो हमें एस इंटरसेक्शन टी को प्रूव करना है, तो हम वहां से एलिमेंट लेंगे। नाउ लेट आर बिलोंग्स टू रिंग आर एंड ए बिलोंग्स टू एस इंटरसेक्शन टी। नाउ एस इंटरसेक्शन टी में एलिमेंट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू टी। सो फॉर आर बिलोंग्स टू आर एंड ए बिलोंग्स टू एस, जो कि एस क्या है? आइडियल है। देन आर डॉट ए बिलोंग्स टू एस एंड ए डॉट आर इज ऑल्सो बिलोंग्स टू एस। ऑल्सो फॉर आर बिलोंग्स टू आर and a belongs to t, r dot a is belongs to t and a dot r belongs to t। so हमारे पास यहाँ से क्या आएगा? r dot a belongs to s and r dot a belongs to t, for r belongs to r and a belongs to s or a belongs to t, then this implies r dot a belongs to s intersection t and a dot r belongs to S intersection T। so for R belongs to R and E belongs to S intersection T, R dot A belongs to S intersection T and A dot R belongs to S intersection T। so by 1 and 2 S intersection T is an ideal of ring R। ठीक, तो ये intersection के केस में आइडियल है। नाउ हमें यहाँ पे प्रूफ, जो सेकंड हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है, दैट इज यूनियन के लिए ये ट्रू हो वो जरूरी नहीं। यूनियन ऑफ टू आइडियल्स नीड नॉट टू बी एन आइडियल। तो यूनियन के केस में यहाँ पे कुछ अलग बात कर रहे हैं। चलिए, सो यहाँ पे हम लेंगे लेट, चलिए एक आइडियल हम ले लेते हैं आई। दिस इज आइडियल एज टू जेड। ठीक है, सो टू जेड प्लस डॉट एंड इफ जे इज इक्वल टू सपोज 3j, देन 3z
plus dot are two ideals. Are two ideals of set of integers of z plus dot. ठीक है, नाउ हमें यहां पे क्या यूनियन के बारे में बात करनी है. सो सपोज आई यूनियन जे इज एन आइडियल ऑफ जेड प्लस डॉट. देखिए ये जो सेट है टू जेड प्लस डॉट, उसमें जो टू जेड का जो सेट है वो कैसे लिखते हैं, हियर आई इज इक्वल टू, हम बात करें माइनस फोर माइनस टू जीरो टू फोर एंड सो ऑन, और जे है उसको हम लिखेंगे डॉट 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 माइनस सिक्स माइनस थ्री जीरो थ्री सिक्स एंड सो ऑन. नाउ अगर हम यूनियन के बारे में बात करें आई यूनियन जे, सो हमारे पास क्या आएगा आई यूनियन जे दिस इज इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस फोर थ्री जीरो, सॉरी यहाँ पे माइनस टू भी आएगा और जीरो फिर टू थ्री फोर सिक्स एंड सो. नाउ हमने क्या कहा आई यूनियन जे इज एन आइडियल ऑफ आर, सो आइडियल है तो वो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आई यूनियन जे इज सब ग्रुप ऑफ जेड प्लस डॉट विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. वो सब ग्रुप बनाएगा और सब ग्रुप जो है वो इटसेल्फ ग्रुप होता है और ग्रुप क्लोज होता है. ठीक है, सो यहाँ से चलिए हम दो एलिमेंट लेते हैं, दैट इज माइनस टू बिलोंग्स टू आई यूनियन जे एंड थ्री बिलोंग्स टू आई यूनियन जे. सो यहाँ पे आई यूनियन जे क्या है सब ग्रुप है, सो माइनस टू प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू वन, और ये कहाँ पे होना चाहिए, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं जो सब ग्रुप है उसके सेंस में क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत ये आई यूनियन जे में होना चाहिए. बट हमें यहाँ से पता चला इसका जो आंसर है वो आएगा वन, दिस बिलोंग्स टू आई यूनियन जे, और यहाँ पे ये जो आई यूनियन जे का हमने सेट लिखा है उसमें कहीं पे भी वन नहीं है. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हम मान के चले हैं कि आई यूनियन जे वो क्या है आइडियल है सेट ऑफ इंटीजर का. सो अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज आई यूनियन जे इज नॉट एन आइडियल ऑफ जेड प्लस डॉट. तो वो जो है वो जेड प्लस डॉट का आइडियल नहीं है. ये हमने प्रूव किया है यहाँ पे इस सेंस में कि यूनियन ऑफ टू आइडियल नीड नॉट टू बी एन आइडियल. अब हम यहाँ पे एक और रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. मान लीजिए एम इज फिक्स्ड इंटीजर, एम जो है वो क्या है कोई फिक्स्ड इंटीजर है, और पी है पी एक पी बी द सेट ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय पी दिस इज इक्वल टू एक्स डॉट एम. एम फिक्स इंटीजर है और ये जो एक्स है बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर दैट इज, सो हमने यहाँ पे क्या दिया सेट. ये जो सेट है पी इज एन आइडियल ऑफ द रिंग आर ऑफ ऑल इंटीजर्स. ये जो सेट है पी एक्स डॉट एम वेर एक्स बिलोंग्स टू जेड इज ऑल्सो एन आइडियल ऑफ रिंग ऑफ इंटीजर. ठीक है, सो सिंपल है. देखिए आपको यहाँ पे कोई सेट दिया है उसको आपको शो करना है वो आइडियल है या नहीं. आइडियल शो करने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, फर्स्ट वो सब ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और जो सेकंड कंडीशन थी वो क्या थी आइडियल की, कि अगर r बिलोंग्स टू r है और कोई एलिमेंट मान लीजिए s बिलोंग्स टू सेट ऑफ p, तो हमें r डॉट s बिलोंग्स टू p शो करना है और s डॉट r बिलोंग्स टू p ये शो करना है. फर्स्ट केस में क्या शो करना है, दैट इज p इज सब ग्रुप ऑफ रिंग r विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, तो ये हमें शो करना है. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. चलिए तो हम फर्स्ट कंडीशन के बारे में अगर हम बात करें, चलिए यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन, तो हमारे पास क्या है इसमें से पी को सब ग्रुप प्रूव करना पड़ेगा. सब ग्रुप प्रूव करने के लिए जो मेथड है हमारे पास, इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू पी देन हमें ए माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन बिलोंग्स टू पी. ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू पी है तो ए बी इनवर्स कहाँ पे होना चाहिए, पी बाय वन स्टेप टेस्ट उसके तहत. सो हम यहाँ पे दो एलिमेंट लेते हैं, चलिए लेट ए इक्वल टू एक्स वन एम एंड बी इक्वल टू एक्स टू एम आर एलिमेंट्स ऑफ पी. नाउ ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू एक्स वन एम माइनस एक्स टू एम,
So here if I write x1 minus x2 into m, x1 and x2 are integer. So x1 minus x2 bhi kya ho jayega? Integer. So x1 minus x2, this belongs to Z. So this implies A minus B belongs to kya ho jayega? Set P. Aur agar ye set P mein hai, that means P is a subgroup of P is a subgroup of ring R with respect to addition. ये subgroup fold करेगा. अब जो second condition है वो हमें यहाँ पे prove करनी है. That is एक element होगा कहाँ से? P से. और एक element आएगा ring R से. Now the number two, उसमें let A equal to x1 and belongs to P and रिंग आर बिलोंग्स टू आर. हम कहेंगे आर डॉट ए. सो यहाँ पे आर डॉट एक्स वन एम. सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? आर डॉट एक्स वन इंटू एम. देखिए ये जो रिंग है वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर है. सो एक आर इंटीजर है और एक्स वन भी इंटीजर है. तो आर डॉट एक्स वन क्या हो जाएगा? इंटीजर इज एन इंटीजर. सो ये जो है आर डॉट एक्स वन इंटू एम, ये कहाँ पर जाएगा? दिस बिलोंग्स टू पी. सो r dot a belongs to p. और a dot r, this is equal to a dot हमारे पास आएगा, sorry a जो है वो क्या है? x1 dot m. so x1 dot m into r. so देखिए ये r जो है वो क्या है? commutative ring है. we know that set of integers is commutative ring. so अगर वो commutative ring है तो ये जो m भी इंटीजर है और r इंटीजर है, x1 भी इंटीजर है, तो हम उसके केस में यहाँ से x1 dot r into m लिख सकते हैं. नाउ यहाँ पे जो r dot x1 इंटीजर है तो यहाँ पे x1 into r भी इंटीजर है. सो ये एलिमेंट कहाँ पे जाएगा? p में जाएगा. सो a dot r इज ऑल्सो बिलोंग्स टू p. सो सेकंड जो कंडीशन है उसमें r dot a बिलोंग्स टू p, a dot r बिलोंग्स टू p, फॉर a बिलोंग्स टू p एंड r बिलोंग्स टू r हमने प्रूव किया. सो आइडियल का जो डेफिनेशन था उन दोनों को हम यहाँ पे देखें कि सेट P जो है वो दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, दैट इज P जो है वो क्या है? हमारे पास आइडियल है. तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमें ये प्रूव करना था. चलिए सो इस क्लास में हमने अभी दो थियरम को डिस्कस किया है, एक थियरम और देखते हैं. चलिए एक रिजल्ट के बारे में. अ फील्ड जो होती है, फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल. सो फील्ड जो है उसके पास प्रॉपर आइडियल्स नहीं होते. दैट मीन्स कि इफ एफ इज अ फील्ड देन एफ हैज ओनली जीरो एंड एफ, एफ हैज ओनली टू आइडियल्स, जीरो एंड एफ टू आइडियल्स. तो ये हमने थोड़ा सा स्पेसिफिक किया है, ओनली टू आइडियल्स विच आर जीरो एंड एफ. ठीक है, और ये जो आइडियल्स है उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर आइडियल. सो हम कह सकते हैं एफ हैज ओनली इम प्रॉपर आइडियल्स. तो हमें यहाँ पे यही प्रूव करना है. सो इफ हम चलिए यहाँ पे उसको प्रूव करेंगे. प्रूफ एफ जो है वो फील्ड है तो वो रिंग तो होगा. ठीक है, रिंग तो होगा. सो लेट एक हमने आइडियल सपोज की लेट एस बी एनी नॉन जीरो आइडियल ऑफ फील्ड एफ एंड ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ दिस आइडियल एस. ठीक है, एस का कोई और आइडियल है. अभी देखिए ए कहां से है? एस से है. तो ये ए जो है वो कहां पे जाएगा? एफ में जाएगा. ए नॉन जीरो है एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ. सो हमने यहाँ पे क्या कहा कि भी एस जो है वो क्या है? आइडियल है, तो आइडियल की कंडीशन को फॉलो करेगा. तो आइडियल के पास जो दो कंडीशन थी उसमें से अगर हम सेकंड कंडीशन को प्रूव करें या फिर सेकंड कंडीशन को यहाँ पे लेके आए फॉर चलिए एस से कोई एक एलिमेंट लेके आएंगे जो हमने यहाँ पे क्या है ए. सो फॉर ए बिलोंग्स टू एस एंड और फिर रिंग जो थी, रिंग हमारे पास यहाँ पे फील्ड के तौर पे है, फील्ड रिंग होती है एफ. सो एफ में से एक एलिमेंट ए इनवर्स बिलोंग्स टू एफ, देन ए डॉट ए इनवर्स दिस इज इक्वल टू वन बिलोंग्स टू एफ हो जाएगा. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज वन एंड बिलोंग्स टू एफ.
सो हमें यहाँ से पता चला कि यूनिटी एलिमेंट, सॉरी यहाँ पे एफ नहीं आएगा, यहाँ पे एस आएगा, आइडियल एस है तो यहाँ पे ये आएगा एस। सो हमें यहाँ से इतना पता चला कि अगर एस आइडियल है तो उसमें यूनिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स वन बिलोंग्स टू एस। ठीक है, अब एस आइडियल है एफ का, देन एस इज अ सबसेट ऑफ एफ। ठीक है, ये तो होगा, आइडियल की डेफिनेशन ही थी सबसे पहले नॉन एम्प्टी सबसेट। सो वन बिलोंग्स टू एस। नाउ लेट हम फिर से बाय कंडीशन टू, टू ऑफ आइडियल वन बिलोंग्स टू एस एंड एक्स बिलोंग्स टू एफ, देन वन डॉट एक्स बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू एस। नाउ एक्स इज एनी आर्बिटरी एलिमेंट, सो फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू एफ, दिस एक्स बिलोंग्स टू एस, दिस इंप्लाइज एफ इज अ सबसेट ऑफ एस। बट एस जो है वो क्या था, सबसेट था नॉन एम्प्टी ऑफ एफ का, और हमने यहाँ पे प्रूव किया एफ इज अ सबसेट ऑफ एस, सो एफ इक्वल टू एस। सो अगर एस कोई भी नॉन जीरो आइडियल है तो उसको एफ के इक्वल ही होना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फील्ड है। सो फील्ड का होने से एक ये फायदा हो गया कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट हो गया, और अगर इनवर्स एग्जिस्ट हो गया तो उसके पास क्या हो गया अब आइडियल में, यूनिटी एलिमेंट, और जब भी आइडियल में यूनिटी एलिमेंट हो जाए तो वो आइडियल रिंग के इक्वल हो जाता है, और यहाँ पे रिंग हमारे फील्ड थी तो फील्ड के इक्वल हो जाएगा, तो उसके पास कोई भी नॉन प्रॉपर आइडियल नहीं होगा, तो फील्ड हैज नो प्रॉपर आइडियल, ये हमने यहाँ पे प्रूव किया है। नाउ चलिए एक और रिजल्ट को लेते चलते, अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी इज फील्ड इफ इट हैज नो प्रॉपर आइडियल, इट हैज नो प्रॉपर आइडियल। सो आपके पास एक रिंग है जो कि कम्यूटेटिव है, यूनिटी एलिमेंट भी है, तो उसको अगर आपको फील्ड कहना है तो उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं होना चाहिए। तो ये एक और तरीका है किसी भी रिंग को फील्ड दिखाने के लिए कि वो कम्यूटेटिव हो, उसके पास यूनिटी हो और उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल ना हो। सो एक कम्यूटेटिव रिंग हमें यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी। चलिए सो लेट आर बी कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, उसको हम कहते हैं सी आर यू, ये जो पूरा वर्ड है उसको हम लिखते हैं सी आर यू, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, जो आर जो है वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, हैविंग नो प्रॉपर आइडिया, ये हमें यहाँ से दिया है। हमें क्या प्रूव करना है, आर के पास आर जो है वो क्या है, फील्ड है। ठीक है, सो आर हैज ओनली आइडियल्स इज जीरो एंड आर इटसेल्फ। सो आर के पास ये दो आइडियल होंगी। नाउ टू शो दैट R is a field, we have to show that every non-zero element of R possesses multiplicative inverse. So ये हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, show करना पड़ेगा, चलिए multiplicative inverse। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चलिए लेट ए बिलोंग्स टू आर। अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस ये है कि हम नॉन जीरो एलिमेंट के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेके आए। सो हमने यहाँ पे ए बिलोंग्स टू आर एक ऐसी एलिमेंट ले लिया है। ठीक है, नाउ और यहाँ पे ए क्या है, नॉन जीरो भी है। नाउ डिफाइन, एक सेट को डिफाइन किया, डिफाइन आर ए, सो दिस इज इक्वल टू आर इंटू ए, वेयर आर बिलोंग्स टू आर, ये हमने सेट डिफाइन किया, ये जो है वो क्या है, आइडियल है। अब उसको हम प्रूव करेंगे। नाउ ये जो है हमने प्रूव किया, नाउ जैसे हमने आगे प्रूव किया था सेट पी को, उसी तरीके से यहाँ पे प्रूव करना है, कोई और अलग है नहीं। सो उसकी तरीके से भी आप कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा हूँ इज एन आइडिया, क्यों, क्योंकि हमने जैसे अभी यहाँ पे प्रूव किया था सेट पी के लिए, उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। कहाँ था सेट पी का, हमने कुछ प्रूव किया था ना प्रीपोजिशंस, सो ये वाला, ये जो है उसी के केस में सेंस, उसा यही सेंस में हम उसको कह रहे हैं कि वो क्या है, आइडियल है। सो ये जो है वो आइडियल हो गई। नाउ आर इंटू ये हमारे पास ये है, सो अगर वन जो है वो अगर रिंग का एलिमेंट है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वन अगर रिंग का एलिमेंट ले लेते हैं हम, तो वन डॉट ए ये एलिमेंट कहाँ पे हो जाएगा, आर इंटू ए,
ठीक है, आर इंटू ए हो जाएगा, दिस इंप्लाइज वॉट ए बिलोंग्स टू आर ए। इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो आर ए है वो नल आइडियल नहीं है, ठीक है। नल आइडियल का मतलब कि जो जीरो से जनरेट हो जाए, भाई जीरो से जनरेट कैसे होती है वो हम प्राइम प्रिंसिपल आइडियल जब बात करेंगे तो वहाँ पे आएगा। सिर्फ यहाँ पे देखिए आर जो है वो क्या है, वो जो जीरो से जनरेट होती है या फिर जीरो वाली आइडियल नहीं है। सो आर ए हैज, बट आर हैज नो प्रॉपर आइडियल, बट आर हैज नो प्रॉपर आइडियल। अब आर के पास प्रॉपर आइडियल नहीं है और आर ए जो है वो नल आइडियल भी नहीं है। दिस इंप्लाइज आर मस्ट बी इक्वल टू आर ए। और अगर वन यहाँ पे क्या है, कम्यूटेटिव, आर जो था वो क्या था, आर इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। सो दिस इंप्लाइज वन बिलोंग्स टू आर। अगर वन यहाँ पे है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, बट यहाँ पे जो एलिमेंट है वो किस टाइप का है, समथिंग आर इंटू ए। सो इफ वन बिलोंग्स टू आर देन इट कैन बी मल्टीपल ऑफ ए इन आर ए। ये वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। सो देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर सच दैट वन इक्वल टू बी इंटू ए। नाउ बी दो एलिमेंट है आर का, ठीक है। ए कहाँ से था, आर में से, दूसरा बी भी कहाँ है, आर में है, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया गया सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में, यूनिटी। सो दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए। अभी बी ए जो है वो नॉन जीरो एलिमेंट था, सो ए इज आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट। सो अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट है देन इनवर्स ऑफ ए इज एग्जिस्ट, ठीक है। सो वी कैन सी हियर ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, हैज मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इंप्लाइज आर इज फ्री। तो ये रिजल्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके पास किसी भी सेट जो है जो उसको अगर फील्ड दिखानी है, और अगर सेट जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी और उसको फील्ड दिखाना है, तो हम सिर्फ ये दिखा दें कि उसके पास प्रॉपर आइडियल नहीं है तो भी हम कह सकते हैं कि वो जो है वो क्या है, फील्ड है। तो इस क्लास में हमने ये देखा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रिंसिपल आइडियल के बारे में, प्रिंसिपल आइडियल क्या है और उसके कुछ हम रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टेक केयर एंड गुड बाय।